हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजू टैक ब्लॉग में। दोस्तों आज ये हमारे पास कुछ मॉडल हीटर के हैं और मैं इनके आपको प्राइस भी बताऊंगा दोस्तों, और इनको कैसे रिपेयर किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ठंड हो रही है, नया लाने से अच्छा है अगर आपके पास पुराना कोई हीटर पड़ा है तो आप उसको रिपेयर कर लें। तो दोस्तों मैं आज आपको इनकी रिपेयरिंग बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका कोई हीटर पुराना पड़ा है तो आप उसी को रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों मैं आपको इनके प्राइस भी बताऊंगा कि ये कितने का मार्केट से आता है और इनको कैसे रिपेयर किया जाता है। दोस्तों बहुत आसानी से आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको वन बाय वन इनको रिपेयर करके बताता हूँ। ये रॉड हीटर है दोस्तों, सबसे पहले इसी से हम करते हैं शुरुआत। ये दो रॉडें होती हैं इनकी, एक ये रॉड है एक ये रॉड है। तो ये रॉड ही फूक जाती हैं या फिर पीछे इसके वायरिंग और एक ये स्विच लगा रहता है। कभी कभी ये स्विच भी ख़राब हो जाता है और कभी वायरिंग जल जाती है। बस इतना सा ही इसके अंदर काम होता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने, अगर आपका हीटर बंद है तो सबसे पहले आपने रॉडें चेक कर लेनी है। इसके अंदर दो रॉडें लगी हुई हैं, आप सबसे पहले ये रॉडें चेक कर लीजिएगा। तो रॉडें चेक करने के लिए एक आपको पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। पेचकस से दो पेच हैं इसके, एक दोस्तों ये है साइड में। इस तरीके से आपने पेच खोल लेने हैं आराम से। और ये दोस्तों खुल गया। अगर आपका ये बंद है तो आप बिना मीटर के दोस्तों इस वाले हीटर को चेक कर सकते हैं, बिना मीटर के और बिना किसी टेस्टर के आप इसको दोस्तों चेक कर सकते हैं कि ये ख़राब है या नहीं है। तो मैं इसको खोल लेता हूं। आपको एक नौ प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर ये देखिए दो नट लगे हुए हैं, आपने आराम से इसे खोल लेना है कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से खुल जाती है, ऐसे ही इधर भी नट होता है। तो आपने प्लास की मदद से ढीले कर लेने हैं नट। तो ये हमने रॉड निकाल ली है दोस्तों। अब इसको कैसे रिपेयर करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये वायर इसका लगा हुआ होता है दोस्तों, ये आपको बारीक से वायर दिखाई दे रहा होगा, ये वायर है दोस्तों इसका, और यही वायर इसमें लगा हुआ होता है इस सुराख में से निकला हुआ, और यहीं को इसमें लपेट दिया जाता है ये दोस्तों। और ये वायर पूरा इस रॉड पर लिपटा हुआ है। जहाँ से भी आपको डैमेज दिखता है ये दोस्तों, आप फ्री में भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ से भी डैमेज दिखता है वहाँ से इसको हटा दीजिए और रॉड को वहीं से लपेट करके निकाल करके, और यहाँ को निकाल के दोबारा से आप इस तरीके से इसको रिपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत आसानी से ये रिपेयर हो जाती है। छोटे प्लास या बड़े प्लास की मदद से इसको आप इस तरीके से लपेट दीजिए बहुत ही आसानी के से। ये आसान तरीके से एकदम लपेट जाता है। और दोस्तों इसी तरीके से इसको आपने फिर कस देना है। अब दोस्तों अगर वायरिंग आपकी जल जाती है यहाँ सर, तो आपको दो पेच खोलने हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर। आप ये दो पेच खोल लीजिए, मैं इसकी आपको वायरिंग भी बता देता हूँ किस तरीके से वायरिंग होती है इसके अंदर। ये दोस्तों एक निकल जाता है, ये पार्ट इसका पूरा निकल गया है। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए वायरिंग हुई भी है। स्विच अगर जल जाए तो आपको 16 एम्पियर का स्विच इसके अंदर ला कर के बिजली की दुकान से डाल लेना है। अगर स्विच आपका सही है तो फिर अपने वायरिंग वगैरह जो भी अगर ख़राब हुई भी है तो उसको चेंज कर देना है जैसे जैसे वायरिंग होती है। तो दोस्तों ये हमारी मेन लीड आई, ये देखिए ये हमारी आ गई मेन लीड। तो मेन लीड का एक तो तार हमने डायरेक्ट दोनों में दे दिया है, ये मेन लीड का एक तार जा रहा है। ये दो रॉडें हैं, ये दो रॉडें हैं, तो दोनों का पॉइंट मिला करके दोनों रोडों के पॉइंट में दे दिया है एक तार, एक वायर, और दूसरा जो वायर है स्विच से हमने इसको कर दिया है। तो एक वायर हमने डायरेक्ट कस दी रोड, और दूसरा स्विच से कर दी है दोस्तों। एक स्विच में लेंगे और दूसरा वायर
एक रॉड में लगा देंगे और स्विच से करने के लिए एक रॉड के कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे। तो दोस्तों एक रॉड इसमें इस वाले ऑन ऑफ स्विच से हो जाएगी और एक रॉड जो है आपकी प्लग लगाते ही चालू हो जाएगी। दोस्तों ये इसके कनेक्शन होते हैं, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं होता है। बहुत ही साधारण सिंपल और देसी जुगाड़ है ये, बहुत ही देसी हीटर होता है दोस्तों। और ये भी सेंटर में आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी रिपेयरिंग की जाती है। अब मैं आपको इसको चला करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसका प्लग बोर्ड में लगा दिया है और इसको कर देता हूँ ऑन। इस समय इसकी एक रॉड ऑन है दोस्तों, जो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब हमें दूसरी जलानी है, दूसरी भी ऑन करनी है, तो इसका बटन ऑन करना होगा। अब ये ऑन कर दी हैं तो दोनों रॉडें ऑन हो गई। अब ये कुछ एक आध मिनट लेंगी, उसके बाद एक आध मिनट के बाद ही ये दोस्तों पूरी लाल हो जाएगी। हीट इसके अंदर मुझे महसूस होने लगी है, आपको कैमरे में नहीं दिखेगी, अभी लाल होने पर आपको भी दिखने लगेगी। एक मिनट का वेट करना होगा, क्योंकि ये एक मिनट में मिट्टी गर्म होती है और लाल हो जाती है स्प्रिंग के माध्यम से, जो इसके अंदर ये तार लगा हुआ है। तो दोस्तों एक मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों रॉडें आने लगी हैं दोस्तों, शायद आपको दिख रहा हो। ये देखिए नीचे वाली रॉड पूरी लाल हो गई है और ऊपर वाली भी लाल होने लगी है, क्योंकि वो बाद में खोली थी और नीचे वाली डायरेक्ट है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप रिपेयर इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसको ऐसे ही जाल इसका कस लेंगे बाद में,